हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मंडे, तो मैं बस मंडे की पूजा कर रही हूँ, मतलब शिव जी की पूजा कर रही हूँ। और मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो इसलिए मैं अभी कर ले रही हूँ पूजा, और फिर घर पे पूजा करने के बाद में मैं जाऊँगी मंदिर। तो जल्दी से काम ख़त्म कर लिया मैंने, और अभी मैं कर ले रही हूँ घर पे पूजा शिव जी की, और फिर उसके बाद जाना है मंदिर। तो करते हैं जल्दी जल्दी। बोलते हैं पहले घर पे पूजा करनी चाहिए, मतलब जो घर पे भगवान जी होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, फिर बाद में मंदिर जाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं घर पे पहले पूजा कर रही हूँ, बाद में मंदिर जाऊँगी। और अभी लाली भी सो रही है, वो जाग जाएगी तो फिर वो जाने नहीं देगी, तो इसीलिए मतलब उसके जागने से पहले ही पूजा वूजा करके आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मैं रास्ते में थी तो मैं वीडियो बनाने लगी। मम्मी के साथ जा रही हूँ, मम्मी आगे आ गए हैं और मैं उनसे पीछे चल रही थी। तो बस मैं अभी पहुँचती हूँ मंदिर, मंदिर में पूजा करते हैं, फिर घर पे आते जल्दी से। लाली भी जाग गई होगी। और आज ना मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब गर्मी तो है लेकिन धूप नहीं है। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो मतलब जब हम गए थे ना तो धूप बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत थी, तो मैं परेशान हो गई। और मैंने वैसे भी नया ड्रेस पहन रखा था तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने अभी कर लिया चेंज। और लाली जगी थी बीच में, जब हम गए थे तब सो रही थी, जब हम आए तो जग रही थी। और उसके बाद मैंने हिला दिया, इसको डॉक्टर के पास ले जाना था क्योंकि कल इसको फीवर आया था ना, तो दिखाना था। और इसके ना पैर में भी कुछ हो गया है, उसका पैर पक गया है तो इस वजह से, और वो दोबारा सो गई, लिफ्ट ख़राब हो गई थी तो हम जा नहीं पाए डॉक्टर के, तो वो दोबारा सो गई, उसको दोबारा से सुला दिया। और ये बीच में जागी थी, नहा धो के फिर से सो गई, क्योंकि इसके ना मतलब पैर में लग गई है, चोट लग गई है ये वाले नाखून पे, ये पक भी गया है और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कब लगी है, पता नहीं चला, लेकिन लग तो गई है, मतलब पक गया है। तो अब जाके ध्यान गया है, दीदी का गया था, वो तो आज भी नहीं देखा अब हमने तो। शाम की अपॉइंटमेंट मिली है डॉक्टर से, अब देखते हैं शाम को, दीदी अगर टाइम से आ जाती हैं तो शाम को जाएंगे, क्योंकि दीदी भी गई हैं हॉस्पिटल, उनका भी कुछ वो है तो वो भी हॉस्पिटल गई हैं, तो अगर वो टाइम से आ गई तो फिर शाम को जाएंगे, शाम को डॉक्टर बैठता है, वरना फिर कल देखते हैं। और अभी ना लड़की बहुत परेशान है, रात को भी 3:30 बजे सोई थी ये, तो बस अभी ये अपनी नींद पूरी कर रही है दिन में, फिर रात में फिर दोबारा से जगाएगी। और कुछ तो इसके दांत निकल रहे हैं तो इस वजह से परेशान कर रही है। फास्ट तो मैं ले आई हूँ अपने लिए दूध, कुछ और खाने पीने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने ठंडा ठंडा सा दूध ले लिया। गर्म दूध तो मन नहीं कर रहा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं ठंडा दूध लेके आई। तो अभी मैं दूध पी के सो जाऊँगी क्योंकि लाली भी सो रही है, और फिर ये जग जाएगी तो ये सोने नहीं देगी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मम्मी कर दे रही हैं संध्या। और उसके बाद में मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, और उसके बाद में अभी ये वीडियो है, मतलब मंगलवार की कल की। भाई धूप इधर उधर, ये लड़की वहां पहुंचेंगे ना तब लगा देंगे सारे निकालती। तो अभी हम जा रहे हैं लाली के डॉक्टर के पास, लाली को दिखाने के लिए। रात में अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, रात को मतलब डॉक्टर नहीं बैठे थे, अपॉइंटमेंट तो मिल गई थी। कहाँ देख रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे क्यों पकड़ रखा है, गिर जाओगी गिर जाओगी गिर जाओगी, साइड पकड़ रखा है भैया नहीं। और यहाँ पे इसका वेट करने के लिए बोला था पहले, तो ये इतना तेज़ तेज़ रोने लगी, इसका मतलब करवाने नहीं दे रही थी, और फिर डॉक्टर के पास में भी जाके रो रही थी ये अंदर। तो गाइस अभी ना मतलब 1:15 के करीब हो रहा है, और हम अभी लाली को दिखा के आए हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो अभी उसको दिखा के लेके आए हैं, और डॉक्टर ने इसकी दवा वगैरह और 2 वैक्सीन भी बताई है टाइफाइड और फ्लू की, तो वो भी लगवानी है। वो अगले नेक्स्ट फ्राइडे को जाएंगे शायद, नेक्स्ट फ्राइडे। तो
तो अभी हो गया है मतलब खाने का टाइम, तो अभी खाना बनाना है। और उसको ना फीवर उसकी वजह से आ रहा था, जो इसके पैर में लग गई है ना उसको इन्फेक्शन हुआ है, वो उसकी वजह से फीवर आ रहा था। और हमको लग रहा था कि शायद उसके दांत निकल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोले कि मतलब दांत वात कुछ नहीं निकल रहे, उसको फीवर उसकी वजह से आ रहा। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और लाली अभी सो के उठी है, तो ये मेरे से ऐसे चिपक के, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना थोड़ी, तो ये ऐसे चिपक के टीवी देख रही है अपना आराम से, और मतलब खेल नहीं रही ज़्यादा खुल के, बस टीवी देख रही है थोड़ा। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने बनने रख दिया मतलब लाली के लिए खिचड़ी, और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी की, क्योंकि आज मैं ना पता है पनीर तो प्याज हम बनाने आती थी लेकिन पनीर तो थोड़ा सा ही है, तो अभी मैं उसमें आलू भी मिक्स कर दूँगी, तो आलू पनीर दोनों मिक्स प्याजा हो जाएगा। बस अभी मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी और प्याज व्याज काटनी है, अभी मुझे ये सब करना है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं भून रही हूँ मसाला, और मैंने ना आलू और पनीर पहले ही फ्राई करके रख लिया है, और अभी मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद में मुझे टमाटर वगैरह डाल के फ्राई करके इसमें मसाले डाल के और फिर इसको ग्राइंड करना है, और बाकी सब्जी मैं बनाऊँगी दीदी के आने के बाद, क्योंकि दीदी शिमला मिर्च ले गएंगे, अभी घर पर शिमला मिर्च नहीं है। और अभी लाली भी जाग गई है, मैं सोच रही थी लाली के जागने से पहले सब्जी बना लूँ, पर अभी लाली भी जाग गई और मम्मी को चलानी है मलाई। मम्मी सोच रही थी कि मैं लाली को पकड़ूंगी तो मलाई चला लूँगी मैं, और मैं सोच रही थी कि मैं ये काम कर लूँ, मम्मी लाली को पकड़ लेंगी, पर अभी वो जाग गई। ये देखिए कैसे बैठी है एकदम मतलब आराम से टीवी देख रही है, इसको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बड़े मज़े आ रहे हैं इसके। तो गाइज अभी मेरी सब्जी वगैरह भी बन गई है और लाली मम्मी के साथ खेल रही है, और अभी टाइम हो रहा रात के 11 के करीब बज रहे हैं, अभी ये लोग आने वाले होंगे, तो इस वीडियो को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बाय, गुड नाइट।